अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम भाइयों को रमज़ान मुबारक हो। आज पहली तरावी और पहली सहरी शुरू हो रही है। वज़ीर आला को ख़त लिखा था मैं 2 दिन पहले। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत कर्नाटक नमाज़ों की जो तरतीब है, ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है सर्कुलर वक्फ बोर्ड से दिए है, इसके ऊपर जो हम लोग फॉलो करें और 10 बजे के अंदर जो है पूरे नमाज़ें ख़त्म करें और रात में अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह से दुआ करें कि वबा को इस मुल्क से जल्द ख़त्म हो। तमाम इंसानियत के लिए ये जो वबा जो बड़ी बनी हुई है, शायद 100 साल की तारीख में ऐसी बुरी अलामतें हमको देखने नहीं मिली थी ना तारीख में है। अल्लाह का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान को हम तमाम को दिखाया है। इस महीने में इबादत करें, अल्लाह की ज़ात से गिड़गिड़ा कर रोएं और पूछें और अपने दिलों को पाक रखें। माँ बाप की दुआ लें, बुज़ुर्गों की दुआ लें, हसद कीना दिल से निकालें, दिल पाक करके जाए। शैतान को तो बंद किया गया है लेकिन हमारे अंदर जो नफ्स है ये सबसे बड़ा नफ्स हमारा है, इसको कंट्रोल करना ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला उसके फजल से हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ेल में जितने लोग रुकू सुजूद कर रहे हैं बुज़ुर्गान दीन, उनके सदक़े में अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और ये पूरा रमज़ान बग़ैर दिक्कत के साथ अल्लाह ताला हमारी इबादतों करने का हमें मौका अता फरमाए और इबादतों को कबूल फरमाए। हमारे जितने हाजात हैं उस अल्लाह ताला हाजात को कबूल फरमाए, हमारे नेक तमन्नाओं को कबूल फरमाए। गुनाहों से तौबा करते हैं, तमाम गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए, क्योंकि धुलने वाला महीना है। पूरी तरह नफ्स की पाकी के साथ 30 दिन तक अल्लाह के बारगाह में रुकू सुजूद करते हुए रोज़ा, नफ्स का जिस्म का रोज़ा नहीं बल्कि नफ्स का रोज़ा।